Hello everyone, after a very long time, welcome to 49th episode of Anime News. आज हम बात करेंगे Vinland Saga Season 2, Mob Psycho Season 3, Doctor Strange Movie, Black Clover Manga, Dragon Ball Super on Cartoon Network India, Comic Con India Returns और भी बहुत से अपडेट्स के बारे में. तो बिना टाइम वेस्ट किए, let's move on to the video. Before starting the video, check out this awesome anime merch store, Anime Devta, जो कि इंडिया का most affordable anime merch brand है. ना सिर्फ यहाँ आप affordable rates पर anime merch खरीद सकते हो, बल्कि अगर आप हर दूसरी वेबसाइट पर same designs देखकर पक चुके हो, तो भी आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनके इन सुंदर designs को इन्हीं के काबिल designers ने बनाया है. इसलिए यहाँ आपको काफी यूनिक डिजाइन्स के साथ टी-शर्ट्स, पोस्टर्स, नोटबुक्स और काफी कुछ देखने को मिल जाएगा. और अच्छी बात ये भी है कि आप इंडिया में ऑलमोस्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर कवरिंग 23 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया. Their motto is to serve people who like and want to own anime merch and not just earn lots of profit or loot you with unreasonable high prices. आप हमारा कोड AnimeTM10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर ऑर्डर पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. मिनिमम ऑर्डर वैल्यू शुड बी एटलीस्ट ₹499. Anime Devta के ऑनलाइन स्टोर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो आस्क देम ऑन योर इंस्टा पेज @anime_devta. So go and buy your favorite anime merch at the rates you can afford and then you will worship Anime Devta because it's Devta for a reason. Shout out to Shikhar Chauhan, Drag Firebolt, Game Hub, Aditya Baga, 74 for joining and supporting the channel. You can also support us by clicking the join button. Part 1. Anime announcements, trailers, promos and more. So let's start with unexpected sequel of the anime coming this year, Classroom of Elite. Classroom of the Elite season 2 ka ek official trailer aur ek key visual release hua hai, where you can see all the characters around Kiyotaka Ayano Koji. Anime is saal July se premiere hona chalu hoga. My Hero Academia season 6 वैसे तो अक्टूबर 2022 से प्रीमियर होना चालू होगा, बट My Hero Academia के स्पेशल इवेंट हीरो फेस्ट में सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग होने वाली है. एपिसोड की स्क्रीनिंग के साथ साथ इवेंट में एक लाइव डबिंग इवेंट होगा, जिसमें MHA सीरीज के टोटल 15 वॉइस एक्टर्स परफॉर्म करेंगे. ये इवेंट 24 जुलाई को होने वाला है. योका एनिमे के 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसी से रिलेटेड एक 10th एनिवर्सरी प्रोजेक्ट विजुअल भी शेयर किया गया, जो इस मई में होने वाला है. लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर कहीं सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो सकती है, बट वो चांसेस आर प्रेटी लेस. वेल, नो गेम नो लाइफ के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं. इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक 10th ईयर एनिवर्सरी विजुअल रिलीज किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है. मॉब साइको के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट करके अनाउंस किया कि 12 मई को मॉब के बर्थडे पर हमें एनिमे की सीजन 3 से रिलेटेड कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. अ साइलेंट वॉइस मूवी डायरेक्टर नाओको यामादा की एक न्यू शॉर्ट फिल्म गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस की स्क्रीनिंग एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल में होने वाली है इस जून में. एनएसी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग शॉर्ट फिल्म का रन टाइम 15 मिनट्स होगा. ये फिल्म कम्प्लीटली ट्रेडिशनल मेथड से एनिमेट की गई है साइंसारू स्टूडियो में. 16 अप्रैल को डीमन स्लेयर एनिमे का एक नया ट्रेलर स्ट्रीम हुआ, जिसमें ज्यादातर फुटेज और क्लिप सीजन 2 से थी, बट लास्ट के कुछ 40-50 सेकंड्स की फुटेज अपकमिंग सीजन 3 के स्वॉर्ड्स विद विलेज आर्क से थी. वेल, सीजन 3 अभी प्रोडक्शन में है, कोई और अपडेट्स आते ही वी विल लेट यू नो इन फ्यूचर. रिसेंटली विनलैंड सागा एनिमे डायरेक्टर शुही याबुता ने मांगा क्रिएटर माकोतो याकिमुरा के साथ ट्विटर स्पेस मीटिंग में एनिमे के प्रोडक्शन को लेकर कुछ चीजें रिवील करी. फर्स्ट तो ये कि विनलैंड सागा मांगा को कम्प्लीटली एनिमे में अडॉप्ट किया जाएगा, सो इट इज अ काइंड ऑफ कन्फर्मेशन दैट देयर कैन बी मोर सीजन्स इन फ्यूचर. सेकेंड ये कि सीजन 2 के ट्रेलर पर काम चल रहा है एंड इट इज इन एडिटिंग फेज राइट नाउ, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेलर रियल सून. थर्ड ये ही कि सीजन 2 का प्रोडक्शन कम्प्लीटली मापा के अंडर ही चल रहा है, बट ये स्टाफ फॉर सीजन 2 इज सेम एज सीजन 1. जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी अब हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी वर्ल्ड वाइड की लिस्ट में 8th स्पॉट पर पहुंच चुकी है, सरपासिंग पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी एंड स्टूडियो जिबलीज प्रिंसेस मोनोनोके. जिस टाइम में ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक ये मूवी $183 मिलियन का कलेक्शन कर चुकी है वर्ल्ड वाइड. स्टूडियो क्लोरिडो अपने 10 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन के तौर पर अपनी कुछ मूवीज जैसे अ विस्कर्स अवे, पेंगुइन पे, बर्न द विच और भी मूवीज ट्विन इंजन के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम करने वाली है फॉर फ्री. शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है एंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाय द वे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मूवी सबटाइटल्स के साथ ना हो.
स्टूडियो क्लोरिडो नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन में एक ओरिजिनल फैंटेसी मूवी ड्रिफ्टिंग होम रिलीज करने वाले हैं 16 सितंबर को इसी साल। मूवी का एक ट्रेलर और एक विजुअल भी रिलीज हुआ है। देयर आर 3-4 लीक्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज। फर्स्ट इज डिज्नी प्लस की एनिमे शॉर्ट सीरीज स्टार वॉर्स विजन का सीजन 2 इस फॉल में रिलीज होगा। सेकेंड इज जोजो बिजार एडवेंचर स्टोन ओशन पार्ट 2 1 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली स्ट्रीम होने वाला है। 2007 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री सीरीज मोनोनोके अपने 15 साल पूरे होने पर एक नए एनिमे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, विच विल मोस्ट प्रोबेबली बी अ मूवी। लास्टली फायर फोर्स का सीजन 3 अभी प्रोडक्शन में है अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स। ये चारों अपडेट्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं है तो इन्हें फिलहाल के लिए आप लाइटली ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेजर बट स्मॉल अपडेट्स के बारे में। शामन किंग एनिमे का सीक्वल अनाउंस हो चुका है। सीक्वल एनिमे के 2 विजुअल भी रिलीज किए गए हैं। पहले विजुअल में एनिमे के सारे कैरेक्टर्स अपने करंट एज में हैं और सेकंड विजुअल में सारे कैरेक्टर्स के 7 साल बाद का लुक है। तो यस, सीक्वल में 7 साल का टाइम स्किप होने वाला है। सीक्वल की कोई रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। इसेकाई एनिमे इन अनदर वर्ल्ड विद माई स्मार्टफोन और ओरियंट एनिमे दोनों के सीजन 2 भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। अल्ट्रामैन 3D CG एनिमे की फाइनल सीजन अनाउंसमेंट हो चुकी है। फाइनल सीजन 2023 में नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली रिलीज होगा। फाइनल सीजन का एक नया टीजर और विजुअल भी रिलीज हुआ है। इंस्पेक्टर सीजन 2 के ब्रॉडकास्ट को अक्टूबर 2022 से डिले करके जनवरी 2023 कर दिया गया है। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी की न्यू रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। मूवी जापान में 11 जून को रिलीज होगी। ब्लू लॉक एनिमे से चिगिरी योमा का एक कैरेक्टर विजुअल और कैरेक्टर पीवी रिलीज हुआ है। एनिमे इसी साल से प्रीमियर होगा एंड चांसेस आर प्रिटी हाई कि इसी अक्टूबर से प्रीमियर होगा एनिमे। जिबली की क्लासिक मूवी विस्पर ऑफ द हार्ट की एक लाइव एक्शन सीक्वल फिल्म 14 अक्टूबर को जापान में रिलीज होने वाली है। मूवी का एक ट्रेलर और विजुअल रिलीज हुआ है। ट्रेलर में योको होना की वॉइस है, जिन्होंने एनिमेटेड मूवी में मेन फीमेल लीड शिजुको को अपनी वॉइस दी थी। फ्रूट्स बास्केट प्रील्यूड कंपाइलेशन फिल्म ब्लूरे फॉर्मेट में 24 जून को रिलीज होने वाली है। ब्लूरे के साथ एक 8 पेज की मांगा भी रिलीज की जाएगी। फ्रूट बास्केट्स की वेबसाइट ने मांगा का एक सैंपल पेज भी शेयर किया है। ततामी गैलेक्सी सीरीज का सीक्वल एनिमे ततामी टाइम मशीन ब्लूज कंपाइलेशन फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है जापान में 30 सितंबर को। स्क्रीनिंग से पहले इसके 6 एपिसोड्स को डिज्नी प्लस पर रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ नए एनिमे के विजुअल्स और रिलीज डेट्स के बारे में। स्पाई फैमिली एपिसोड 2, 3 एंड 4 फ्री द फाइनल स्ट्रोक। साइंस आरू मूवी इनो ओ 28 में। द क्विंटेसेंशियल क्विंटाप्लेट्स मूवी मे 20। मोबाइल सूट गंडम कुकुरुज डॉन्स आइलैंड जून 3। बूचीगिरी जुलाई 8। लुसिफर एंड द बिस्किट हार्मनी जुलाई 2022। ब्लैक समनर जुलाई 2022। ओसोमात्सु कुन 60th एनिवर्सरी विजुअल। सुनुरे द मूवी द बिगनिंग एरो ऑगस्ट 19। क्योकोनो कोरासो अक्टूबर 2022। इनमें से कुछ शोज के ट्रेलर भी रिलीज हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पिछले न्यूज वीडियो से लेकर अब तक जितने भी नए ट्रेलर रिलीज हुए हैं, उन सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। स्पाई फैमिली के एनिमे रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए अटैक ऑन टाइटन मांगा क्रिएटर हाजिमे इसेयामा और हेल्स पैराडाइज डिगोकु राकू के मांगा क्रिएटर यूजी काकू ने एक इलस्ट्रेशन शेयर किया है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अपकमिंग एमसीयू मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जापान अर्ली रिलीज की सेलिब्रेशन के तौर पर जापान के 3 पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट ने भी कोलैबोरेशन में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक कलर इलस्ट्रेशन शेयर किया है। इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पर है। लेफ्ट वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेस ब्रदर्स के मांगा क्रिएटर चुया कोयामा ने, राइट वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्टोन के मांगा क्रिएटर बोइची ने और मिडिल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को फेरी टेल के क्रिएटर हीरो माशिमा ने इलस्ट्रेट किया है। ब्लैक क्लोवर की मांगा के कुछ रीसेंट चैप्टर्स के बाद कम्युनिटी में मांगा को लेकर काफी हाइप मची हुई है और इसी के बीच में मांगा क्रिएटर ताबाता ने रिवील करा कि ब्लैक क्लोवर मांगा नेक्स्ट आर्क से फाइनल स्टेज में एंटर करने वाली है और इस फाइनल आर्क की प्रिपरेशन के लिए मांगा अब 3 महीने के हायटस पर जा रही है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर बबल मूवी रिलीज हुई, जो उन्होंने विच स्टूडियो के साथ कोलैबोरेशन में बनाई। मूवी के रिलीज से पहले 22 अप्रैल को शोनन जंप पर इसकी मांगा भी पब्लिश होना चालू हुई। मांगा के अब तक 3 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं। इस मांगा को एरोबा हिजीहारा इलस्ट्रेट कर रहे हैं। बैडमिंटन बेस्ड एनिमे लव ऑल प्ले की मांगा अडैप्टेशन भी चालू हो चुकी है 8 अप्रैल से। एनिमे एंड मांगा दोनों को ही इसके सोर्स मटेरियल लाइट नॉवेल से अडैप्ट किया जा रहा है।
कागुया समा लव इज वॉर की मांगा आर्टिस्ट आका आकासाका की दूसरी मांगा ओशिनो को अब मांगा प्लस बाय शुएशा ऐप और वेबसाइट दोनों पर ही अवेलेबल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मांगा रीड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको मांगा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले हाइक्यू मांगा की एक वन शॉट मांगा अनाउंस हुई थी जो 25 अप्रैल को पब्लिश हो चुकी है। वन शॉट शॉनन जंप ऐप पर भी अवेलेबल है। यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर इफ यू हैवंट येट। हाल ही में कुछ लाइट नॉवेल्स और मांगा की एनिमे अडैप्टेशन भी अनाउंस हुई है। लेट्स टॉक अबाउट देम रियल क्विक। The Unwanted Undead Adventurer Light Novel, Onimai I'm Now Your Sister Gender Bending Comedy Manga, Sacrificial Princess and the King of Beasts, Human Bug University Manga और Play It Cool Guys Manga. Part 3, Anime Gaming News. DMM Games ने Code Geass Lelouch of the Rebellion Lost Stories सोशल गेम की ओपनिंग और गेमप्ले वीडियो स्ट्रीम किया है। ओपनिंग के एनिमेशन स्टूडियो सनराइज ने किया है और ये भी रिवील हुआ है कि गेम पीसी और मोबाइल दोनों डिवाइसेस के लिए लॉन्च होगी। बांडाई नामको एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया है डिजिमॉन सर्वाइव हाइब्रिड विजुअल नॉवल एंड टैक्टिकल रोल प्लेइंग गेम 29 जुलाई को ग्लोबली रिलीज होने वाली है पीसी PS4 स्विच और एक्सबॉक्स के लिए। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। Netflix India अपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर बबल मूवी फ्रूट बास्केट द फाइनल और द एडवेंचर ऑफ डाई के एपिसोड्स ऐड कर चुका है एंड कॉमिकांड कम्युनिकेट सीजन 2 भी स्ट्रीम होना चालू हो चुका है। और जो शोज और मूवी वो इन फ्यूचर ऐड करने वाले हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। म्यूज इंडिया ने कुछ एनिमे शोज के डिस्ट्रीब्यूशन के अनाउंसमेंट की है जो इस समर यानी जुलाई से शुरू होने वाले हैं। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2, मेड इन अबिस, द गोल्डन सिटी ऑफ स्कॉचिंग सन, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 2, अल्टरनेट वर्ल्ड फार्मेसी, ल्यूमिनस विचेस और क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2। म्यूज इंडिया हीगे हीरो के एपिसोड्स भी अपने चैनल पर स्ट्रीम कर रहे हैं, सो यू कैन वॉच इट इफ यू वांट। प्लेलिस्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवन एशिया भी फूड वॉर्स द थर्ड प्लेट के एपिसोड 22 अप्रैल से अपने चैनल पर स्ट्रीम कर रहे हैं। एनीवन एशिया के पास फूड वॉर्स के दोनों सीजन 2 और सीजन 3 के राइट्स है बट नॉट सीजन 1। इवन नेटफ्लिक्स हैज नो राइट्स फॉर सीजन 1 इन इंडियन रीजन। मे बी दे विल रिन्यू द राइट्स इन नियर फ्यूचर। सो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने कुछ टाइम पहले एक प्रोमो से कंफर्म किया है कि ड्रैगन बॉल सुपर इसी मंथ मई में प्रीमियर होने वाला है जल्द ही। कार्टून नेटवर्क इंडिया के नेटवर्क हेड अभिषेक दत्ता के अकॉर्डिंग 22 मई संडे को सीरीज के काफी एपिसोड्स एक बार में ही दिखाए जाएंगे। देन उन सेम एपिसोड्स को मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे दिखाया जाएगा एंड देन उन सेम एपिसोड्स का रिपीट टेलीकास्ट अगले दिन सुबह 10:30 बजे हुआ करेगा। थैंक्स टू शिनशान बैनर्जी फॉर शेयरिंग दिस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज। हिंदी वॉइस एक्टर ऑफ गोकू अंकुर जावेरी सर ऑल्सो Confirmed on April 17th by posting this कि Dragon Ball Super के हिंदी डब का काम चालू हो चुका है and old voice actors who gave their voice in the Hindi dub of Dragon Ball Z is also returning for dubbing this series as well. Crunchyroll के CEO Colin Decker अपनी पोस्ट से resignation दे चुके हैं। After this, Crunchyroll and Funimation merged और अब एक Indian Rahul Purini को कंपनी के प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रमोट करा गया है। Rahul Purini इस मर्ज से पहले 7 सालों तक Funimation में as a COO, Chief Operating Officer के तौर पर काम कर चुके हैं। Now there is one more good news. Crunchyroll has announced that they are now looking for an Indian direct to consumer lead who has 8 years of experience in this field. Agar aap kisi ko jante hai, if you think aap is position ke liye perfect candidate hai, then you can apply for this position. Iske regarding aapko baki ki details is link par mil jayegi. So to wrap this up, Crunchyroll is planning for something to expand themselves in Indian market as well. So Comic-Con India is finally back after 3 years. Comic-Con का last edition 2019 में हुआ था 5 cities में, but COVID pandemic के कारण it didn't happen in 2020 and 2021. But finally this year it's happening in 4 cities instead of 5: Delhi, Bangalore, Hyderabad and Mumbai. ये event Delhi में 9 to 11 December और Bangalore में 19 to 20 November तक चलने वाला है। मुंबई और हैदराबाद के ऑफिशियल डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। नमस्ते जापान फेस्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी और फुकुओका इंटरनेशनल एक्सचेंज फाउंडेशन मिलकर इस साल भी नमस्ते जापान फेस्ट इवेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ऑन मई 15th। ये इस इवेंट का 4th edition होगा। जनरली इस इवेंट को न्यू दिल्ली में ऑफलाइन ऑर्गेनाइज कराया जाता है बट ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक लास्ट ईयर इसे ऑनलाइन कंडक्ट किया गया। नमस्ते जापान का यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोलकाता बेस्ड स्टूडियो गोस्ट एनिमेशंस ने 2020 में एक 10 मिनट्स की 2D एनिमेशन शॉर्ट फिल्म रिलीज करी जिसका टाइटल है वेड, जो एक नियर फ्यूचर में सेट एक स्टोरी है। वेड कोलकाता में रहने वाले कुछ क्लाइमेट रेफ्यूजीज के ऊपर बेस्ड है कि कैसे वो रेफ्यूजीज इतने सीवियर कंडीशंस में वहां सर्वाइव करते हैं और उन कंडीशन से आने वाली प्रॉब्लम से खुद को कैसे बचाते हैं। सी लेवल बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग और भारी मात्रा में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स, ये ही कुछ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स और उनसे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को हमारे सामने रखते हैं जो ह्यूमंस को इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है।
It's pretty dark, music is intense, background arts are super good, animation is damn smooth at action scenes, cinematography, camera angles and shots. Everything is so good about this short movie, that's why it took studio almost 4 to 5 years to complete this movie. They needed a good budget for this movie, so directors of the movie Upamanyu Bhattacharya and Kalp Sanghvi ran a successful crowdfunding campaign in 2016. ये शॉर्ट मूवी अब तक 10 नॉमिनेशंस और 4 अवार्ड्स रिसीव कर चुकी है डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स में. वेल, इट्स रियली समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है. यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दिस शॉर्ट फिल्म आउट आफ्टर दिस वीडियो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. That's all for today. Thanks for watching till the end. जाने से पहले वीप सेंट्रल का इंस्टा पेज फॉलो कर लेना फॉर रेगुलर न्यूज एंड अपडेट्स. Also, don't forget to check out Anime Devta website as well for awesome t-shirts, posters and other merch. Bye-bye!